बाहर वाला समाज का एक ऐसा हिस्सा जिसे सारा समाज नफरत और घृणा की नजर से देखता है, लेकिन वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि बाहर वाला बनने के पीछे इनकी क्या मजबूरी होती है, क्या लाचारी होती है। हेलो, इंस्पेक्टर राठी स्पीकिंग। व्हाट? कहाँ? ओके। सर, इसमें एक चॉपर भी है सर।
सर, इसमें डेड बॉडी के टुकड़े हैं। नाइटी मकतूल की हो सकती है। ये मार्क आई थिंक किसी लॉन्ड्री का है। रोशनी ड्राई क्लीनर्स, शिंदे काम करो, इस रोशनी ड्राई क्लीनर्स के मालिक को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। मुझे उम्मीद है कि इससे मकतूल की शिनाख्त हो जाएगी, और एक बार मकतूल की शिनाख्त हो गई तो कातिल का पता भी चल ही जाएगा। रामेश्वर। यस सर। रोशनी ड्राई क्लीनर्स के मालिक को लेकर आओ, मैं उसे मिलना चाहता हूं। ओके सर। ये नाइटी आपके यहाँ ही ड्राई क्लीन हुई थी? अभी बता दो। लेबर को हमारा ही लॉन्ड्री था। बता सकते हैं ये किसका है? बिल्कुल, पकड़िए। तो नाइटी को रेशमा नाम की लड़की का है। रेशमा, अब जरा एड्रेस भी बता दीजिए। एड्रेस है 302 ए विंग उजाला अपार्टमेंट, यारी रोड। 302 ए विंग उजाला अपार्टमेंट, यारी रोड। शिंदे, पूरे घर का बारीकी से मुआयना करो। हवलदार। यस सर। तुम जाकर बिल्डिंग के वॉचमैन को लेकर आओ। जी सर। और तुम इस फ्लैट के अगल बगल जो लोग रहते हैं उनसे जाकर पूछताछ करो। जाओ। हेलो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर राठी बोल रहा हूं। शिंदे, कुछ मिला? सर, पासबुक मिला है। बैंक स्टेटमेंट से पता चल सकता है इसे पैसा देने वाले कौन लोग थे और उसका इस लड़की से क्या संबंध था। सर, रेशमा के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है ज्यादातर पेमेंट दीपक शेट्टी ने किया है। ये दीपक शेट्टी कौन है? बुलबुल बार का ओनर सर। बुलबुल बार का ओनर। वॉचमैन ने बताया था कि रेशमा शाम को 4 बजे जाती थी और सुबह 4 बजे आती थी। इसका मतलब है कि रेशमा बार कर।
तारे जो देखे मेरे पीछे पीछे आता है, कातिल जवानी के जाल में फंस जाता है। एक बार जो देखे मेरे पीछे पीछे आता है, कातिल जवानी के जाल में फंस जाता है। हाय मेरी जवानी। बार में रेशमा नाम की एक बार गर्ल काम किया करती थी। जी करती थी। पिछले कितने दिनों से वो यहाँ नहीं आई? ये कोई 15-20 दिन से नहीं आया सर। उसका कत्ल हो गया है। रेशमा कमर, मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार रेशमा को मैंने पूना क्लब में देखा था। तब वो रेशमा नहीं रश्मि थी। तितली की तरह चहकती थी, उड़ती थी, हंसती थी, खेलती थी, नाचती थी। शिल्पकार बनना चाहती हूँ। दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस मैं यही सपना देखती हूँ। आप प्लीज मेरी मदद करोगे ना? प्लीज। और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस बस तुम मेरे साथ हो, मेरी पूरी आस आप पर ही है। प्लीज मेरी मदद करोगे ना? रश्मि दिन रात फिल्म हीरोइन बनने के ख्वाब देखा करती थी।
अब आज की रेस शुरू करते हैं। ओके ओके Now back up for today. See you tomorrow. Okay? तानिया को मैं ही मुंबई से पूना लेकर गया था ताकि तानिया के सहारे रेशमा पर अपना जाल बिछा सकूं। तानिया ने भी अपना काम बखूबी निभाया था। अब वो रेशमा के इतने करीब आ गई थी कि उसे उसकी सारी बातें मालूम हो गई थी कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। अब रेशमा को शिकार बनाने का काम और भी आसान हो गया था। बॉयफ्रेंड्स तो नहीं है ना? I'm sorry, ये सब करती हूँ। प्लीज यार किसी को कुछ बोलना होता। हाँ प्लीज प्लीज, ये एकदम क्या हुआ तुम्हें? मैं अपने को सॉरी प्लीज यार, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। I'm really sorry, मैं किसे बताऊँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। प्लीज सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देती। तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी, तू मेरी दोस्त है। हाँ हाँ देख, मेरी दोस्त है ना। अच्छी तुझे अपनी दोस्ती का वास्ता, तू किसको कुछ नहीं बोलेगी। हाँ प्लीज यार मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी। नमस्ते मैडम।
ए मिस्टर, इतनी देर से मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? क्या कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? इतनी देर से मेरा पीछा करने का क्या मतलब है? लड़कियां तो बहुत देखी हैं मैडम, मगर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज पहली बार देख रहा हूँ। ए डोंट बी वेरी स्मार्ट, ये बात मैं कॉलेज के सारे लड़कों से सुन चुकी हूँ और उन सबको ठिकाने पर भी लगा चुकी हूँ, समझे? देखो मैडम, तुम मानो या ना मानो, तुम्हें देख के मुझे श्री देवी और माधुरी दीक्षित की याद आ गई। तुमने क्या समझा कि जो तुम कहोगे मैं विश्वास कर लूंगी? ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं मैडम, ये सच है। मैं भी एक्चुअली फिल्म लाइन में काम करता हूँ। मेरा काम है नई नई लड़कियों को हीरोइन बनाना। अगर आप नहीं मानती तो ये देखो फोटो। अरे क्या मैं भी फिल्म की हीरोइन बन सकती हूँ? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। ये समझो तुम फिल्मी हीरोइन बन गई, मगर तुम्हें इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें मेरे साथ मुंबई चलना पड़ेगा। मुंबई? इस बात के लिए मेरे मम्मी डैडी कभी तैयार नहीं होंगे। देखो मैडम, आज तक जितनी भी हीरोइने बनी हैं, सब घर से भाग के बनी हैं। ऐसी बात है? तो मैं भी घर से भाग जाऊंगी और हीरोइन बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है मुझ पे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और क्या है? कुछ नहीं, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें जरूर मुझसे कुछ ना कुछ काम होगा। नहीं बाबा, सच्ची सच में ऐसी कोई बात नहीं है। सब जानता हूँ। ये क्या मोबाइल लेके बैठे हो शे? क्या हुआ प्लीज? हेलो, क्या बात है? कुछ नहीं, लव यू बाबा। सुनो, मैं कुछ लिख के आई हूँ तुम्हारे लिए। क्या क्या है? दिखाती हूँ ये स्ट्रॉबेरी। आज तो बहुत ज्यादा मस्का लग रहा है। नहीं बाबा, सच में जस्ट गिफ्ट फॉर यू। जरूर कुछ बात है। है ना? प्लीज टेक, प्लीज। ओके, सुनो, जानते हो आज मुझे एक आदमी मिला था। कौन आदमी? उसने मुझे बोला है कि मुंबई ले जाके मुझे हीरोइन बनाएगा। हीरोइन? हाँ, वो माधुरी दीक्षित का, श्री देवी का, जयप्रदा का, इन सब का सेक्रेटरी रह चुका है। तुम्हें कैसे पता? और उसने मुझे फोटो दिखाया है, वो उन सबको उन्होंने ही आगे जाके काम दिलवाया है। पता नहीं किन किन लोगों से मिल के आती है और किन किन लोगों की बातों में आ जाती है। तुम ऐसे कैसे किसी की बातों में विश्वास कर सकती हो? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। मैंने खुद फोटो देखे हैं, नहीं तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। मैं उससे मिलके क्या करूंगा? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे बस छोड़ो यार।
जब भी देखो कुछ ना कुछ नई टेंशन तुम्हारी खड़ी रहती है। देखो एक बार प्लीज एक बार उनसे मिल लो प्लीज मेरी खातिर। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। राह पे चलता हुआ कोई भी इंसान बोलेगा तुम्हें हिरण बना दूंगा, तुम चल पड़ोगी क्या? अगर मम्मी डैडी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं पक्का समझी थी कि तुम तो मेरा साथ दोगे। तुम मुझे हाँ या ना बताओ, तुम उससे मिलोगे कि नहीं मिलोगे? नहीं कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे। क्या? मैं तो समझी थी कि तुम मेरा साथ दोगे। तुम मेरी तरक्की नहीं देखना चाहते? तुम नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। ठीक है मैं सब समझ रही हूँ, एक बार सोच लो। सोच लिया मैंने, पूरा पूरा सोच लिया है। गेट लॉस्ट। और उसी रात रेशमा मेरे साथ मुंबई के लिए। हीरोइन बनने का भूत इसके सर पर सवार था और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं रेशमा को मुंबई ले आया। मैडम आइए ना, आइए 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 आइए, ये अपना ही बंगला है। चलिए आइए, क्या बात है? किसका घर है ये? ये अपना ही है, अपने समझो इसे। आइए। आपका? हाँ आज की रात हम यहीं गुजारते हैं, प्रोड्यूसर से सुबह मिलेंगे। आइए मैं हूं ना आपके साथ, आइए आइए आइए। डरो मत, मैं हूं ना, आइए आप यहां सो जाइए। मैडम घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। पक्का? हाँ आप यहां सो जाओ, मैं बाहर सोता हूं। जाइए जाइए, डरो मत। प्लीज प्लीज मैं बाहर सोता हूं मैडम। तो सो गई। ओ क्या बात है, क्या खुली है यार, बहुत अच्छा माल लगा इस बार तो मेरे यार। क्या चले इसके, मजा आ जाएगा आज तो। क्या काल है इसके, थाप लगा दी इसने मेरे तन बगल में, क्या टांगे हैं इसकी। Yeah.
सॉरी मैडम, रात शायद कुछ ज्यादा ही। सॉरी मैडम, डोंट डू टू मी। मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी। सॉरी मैडम, प्लीज अब आप आराम कीजिए मैडम। आप सो जाइए मैडम। गो टू हेल यू बास्टर्ड। पचास हजार में मैंने रेशमा को बुलबुल बार के मालिक दीपक शेट्टी को बेच दिया। फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट कहकर 2 साल का एग्रीमेंट भी शेट्टी ने उससे साइन करवा लिया। अब बार में नाचने के अलावा रेशमा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, और वहां से पूना की रश्मि बुलबुल बार में बार गर्ल रेशमा बन गई। हरामजादे गोगी, तुम यहाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ पर अयाशिया कर रहे हो? मैंने क्या किया? पुणे से मुंबई तुमने मुझे झूठा झांसा दिया। झूठ बोलकर लाए कि तुम मुझे फिल्म की हीरोइन बनाओगे, और उसके बदले तुमने मुझसे बार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। तुम भी तो पढ़ी लिखी थी, देख के साइन करने चाहिए थे। तुम्हारी वजह से मैंने अपने मम्मी डैडी, अपने प्यार, अपनी सारी दुनिया को छोड़ दिया, और तुमने मुझे ये सजा दी। कोई बात नहीं, आज मैं तो मजबूर हूँ, लेकिन ऊपर वाले की लाठी जब चलती है ना, तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। देखना, एक दिन मेरी बद्दुआ तुम्हें जरूर लगेगी। जाओ जाओ मैडम, जाओ जाओ। तुम्हारी जैसी पत्नी कितनी लड़कियां आई यहाँ और कितनी गई, सब ऐसे कह के चले गए। तुम जरूर बर्बाद हो गए। और आज 2 साल के बाद उसी मासूम भोली भाली रेशमा का खून हो गया। रेशमा के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आपके बार स्टाफ या यहाँ आने वाले किसी शख्स से उसकी कोई दुश्मनी थी? जी हाँ, जो भी आता है लड़कियों के ऊपर दिल लुटाता है, दौलत लुटाता है। अब इसमें ये डिफिकल्ट है बोलना कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। ऐसे मामले में अक्सर दिल और दौलत लुटाने वाले ही कत्ल किया करते हैं। रेशमा के ऊपर जो दिल और दौलत लुटाते थे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर ये सब जानना चाहते हैं तो आप नीलोफर से मिलिए। ये नीलोफर कौन है? नीलोफर रेशमा का बेस्ट फ्रेंड है। इनफैक्ट रेशमा को लाने वाला नीलोफर, उससे अच्छी तरह आपको और कोई नहीं बता सकता। क्या मैं नीलोफर से मिल सकता हूँ? हाँ मिल सकता है, आप ड्रेसिंग रूम में बैठिए, मैं भेजता है। एक बार जो देखे मुझको हो जाए इसका जीना बड़ा दुश्वार। तो आप हैं नीलोफर? जी साहब। रेशमा के बारे में आपको कुछ पता है? हाँ साहब, रेशमा का तो कत्ल हो गया ना। तुम्हें कैसे पता? जी शेट्टी ने बताया साहब। ओह साहब, सुन के बड़ा अफसोस हुआ साहब। रेशमा बहुत अच्छी लड़की थी साहब, उसके कातिल को आप छोड़ना नहीं साहब। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कातिल को गिरफ्तार करना तो हमारा फर्ज है। लेकिन नीलोफर तुम ये बताओ कि रेशमा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी? Thank you.
देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। मेरे लिए? क्या? मंगलसूत्र। Oh.
जिस दिन से रश्मि मुंबई गई है ना ही उसकी कोई खबर है और ना ही उसका कोई फोन आया है। पता नहीं रश्मि के सामने कमाल कर दिया तू साली, कमाल कर दिया एकदम से। कुछ भी हो साला, जितना मैंने 2 साल में नहीं कमाया तूने 6 महीने में ही छाप डाला। ऐसे लटके झटके दिखाती है कि साले सबके सब हलाल हो जाते कुत्ते। अरे सुन, वो पोपला बुड्ढा है ना, वो जो 2 पैग में ही लुढ़क जाता है। अरे हाँ साला पोपला बुड्ढा, वो कल बार के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। अच्छा? वो बोला रेशमा मुझसे शादी कर लो, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। साले बहुत अच्छे एक्टिंग करती तू साला बुड्ढा। फिर क्या बोला तूने? मैं बोली इस उम्र में रिश्ते नहीं पर रिश्ते आते हैं। साले क्या डायलॉग मारती तू आ? तुम खुद तो कवर में पाव लटकाए बैठे हो और मेरी लाइफ बनाने की बात कर रहे हो, पहले खुद की लाइफ के बारे में तो सोच। वैसे रेशमा वो बुड्ढा भी झूठ नहीं बोल रहा यार, उसके मरने के बाद तो सब कुछ तेरा ही ना, मौका अच्छा है कर ले शादी। नहीं रे, शादी शादी तो मैं किसी शरीफ लड़के से ही करूंगी। शरीफ लड़के से? शरीफ लड़के से हम बाहर कल की किस्मत में शरीफ लड़के कहां से? अरे यार अपने नसीब में तो ये बुड्ढे शराबी कबाबी गेंडे भड़वे मर्दी लिखे होते हैं। देखिए रेशमा, अपना तो एक ही फंडा है, नो शादी नो टेंशन। पर हाँ, शादी के नाम पे कोई बकरा आया ना तो उसको हलाल कर देने का क्या? अरे अरे छोड़ ना यार। अरे सुन, वो रघु है ना, रघु छिछोरा? हाँ। क्यों, क्या हुआ उसको? देखना, कब से शादी के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे यार अच्छा मौका है, जितना तेल निकाल सकती है निकाल ले इन कुत्तों का। अरे यार उस रघु को हलाल कर दे यार, मौका अच्छा है। रेशमा किस तलतल में फंस गई है तू? तू क्या बनने मुंबई आई थी और क्या बन गई है, लेकिन अब यही तेरी हकीकत है, शायद किस्मत को यही मंजूर है। ये तो पूरा लल्लू लग रहा है। जानती हो रेशमा, मैं ये शराब क्यों पीता हूँ? गम मिटाने के लिए। ना मेरे सीने में कोई गम है ना बलगम है, एकदम साफ सुथरा क्लीन मुंबई, क्लीन मुंबई की तरह। तो फिर शराब क्यों पीते हो? सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। मुझे देखने के लिए? पता है रेशमा, जब मैंने तुम्हें नहीं देखा था ना, माँ कसम मैंने शराब को भी नहीं देखा था। फिर एक दिन तुम्हें देखा, मैं फिदा हो गया, फिदा हो गया। और एक दिन तुम्हारा पीछा करते करते मैं डांस बार में चला गया। अब रेशमा डांस बार में खाली तो बैठ नहीं सकता था, इसलिए शराब लेना पड़ा, पीना पड़ा। समझ रही हो ना? अगर आज मैं दुनिया वालों की नजर में शराबी हूं ना, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी अगर कोई शराब छुड़वा सकता है ना, तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम छुड़वा सकती हो मेरी शराब। मैं? मैं तुम्हारी शराब कैसे छुड़ा सकती हूँ? शादी करके। तुम शादी करोगी, शराब खुद ब खुद छूट जाएगी। और अगर शराब नहीं छूटी, लिवर खराब हो जाएगा, मैं मर जाएगा। और अगर मैं मर गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। बोलो
मेरी शराब छुड़वाओगी ना, छुड़वाओगी ना मेरी शराब? देखो रघु, अभी तुम होश में नहीं हो, हम लोग कल बात करें प्लीज। नहीं अभी, मतलब अभी अगर तुम मेरी शराब छुड़वाओगी तो मैं तुम पर अपना सब कुछ लुटा दूंगा, सब कुछ। देखो रघु। हाँ या ना? हाँ बाबा हाँ, मैं तुम्हारी शराब छुड़ा दूंगी बस। आज तुमने मुझे खुश कर दिया, खुश कर दिया तुमने मुझे। ये देखो आज तुम्हारी मुंह दिखाई, मुंह दिखाई तुम्हारी, मेरी जान मुंह दिखाई। ये तो शादी से पहले आउट हो गया। तारिक शादी की बात ना करके वो शराब छुड़ाने की बात करता है। लल्लू, रेशमा प्लीज प्लीज मेरी शराब छुड़ा दे, अगर मेरा लीवर फेल हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, प्लीज प्लीज रेशमा मेरी शराब छुड़ा दे। एड़ी तो छुड़ा देना उसकी शराब, फुकट में ही पुण्य मिल जाएगा साला। अरे आज राघवन शादी के बाद शराब तो छोड़ देगा लेकिन तेरे को बेवड़ी बना देगा वो। आज वो पैसा तुझ पे उड़ा रहा है ना, कल को दूसरी लौंडी आएगी ना उस पे उड़ा देगा। शादी करने का है ना, कोई अच्छा लड़का देख के शादी करना। अच्छा लड़का? हे एड़े, तेरे को पता है ना बार गर्ल को कितने शरीफ लड़के मिलते हैं? साला बात करता है। पता है ना अपनी वो तानिया शरीफ लड़के से शादी की, क्या हुआ आज भी बार में नाचती है साली। माँ की यार शादी की बात करता है, अरे क्या फायदा ऐसी शादी से। हाँ छोड़ना, और तुम लोग कहाँ ये शादी की बात लेकर बैठ गए, और मैं राघवन की बात को लेकर कहाँ सीरियस हूँ। वो तो 10 बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया तब उसको मिलने गई, अब मैं क्या करती। ऐसे ही मिलते मिलते प्यार होता है। छोड़ो ना, मैं तो तुमसे रोज मिलती हूँ, मुझे तुमसे कहाँ प्यार हुआ है। लेकिन मैंने तो कहा ना कि मुझे तुमसे प्यार है। क्या कहा? हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरुण मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें मजाक पसंद नहीं कि मैं पसंद नहीं हूं? दोनों। कब समझेगी ये मेरे प्यार को? कितने हुए? 25 लाख। वाओ। वैसे जो एक रात में 25 लाख उड़ा दे, सोचो उसके पास और कितना माल होगा। कुछ भी हो रेशमा, तेरी तो लाइफ बन गई। इतने से क्या होगा, इसमें तो डबल बेडरूम हॉल का फ्लैट भी बुक नहीं होगा। सोचती हूँ बैंक से लोन लेकर 2 BHK का फ्लैट बुक करा लेती हूँ। याद है उस दिन जो तूने जवानी का सूरज जलने की बात की थी? वो सुनकर मैं हिल गई। फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है बाबा।
लगता है उसी का है। हेलो, पहचान कौन? सॉरी, मैं बिल्कुल पहचान नहीं पा रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? करीम। अब्दुल करीम? अरे वही जिसने एक रात में तेरे ऊपर 25 लाख रुपए लुटा दिए। अच्छा, बताइए। अरे रात में जो तूने देखा था वो हमारा ट्रेलर था। पूरी फिल्म देखना नहीं चाहेगी? आजा, सोने चांदी से लाद दूंगा तुझे। बोल, आज रात को आ रही है? हाँ। कहाँ पर? अरे होटल मिडनाइट, रूम नंबर 401। आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। कमाल है, एक हम है जो लुटाए जा रहे हैं, एक वो है जो पहचान नहीं रहा। वैसे तेरे हुस्न का कदरदान मिल गया चमिया। जहाँ कदर होती है वहीं मुकद्दर बनता है। जा मेरी हीरोइन, बना ले अपना मुकद्दर। गई है क्या? शराब नहीं चढ़ी है मुझे, तू चढ़ गई है मेरे दिमाग पर। और सुना है पूरी रात तू अब्दुल करीम के साथ थी और उसने डुबकी भी लगा ली। जबान संभाल के बात कर। पूरी रात अब्दुल करीम के साथ मुंह काला करती रही और मेरे सामने सती सावित्री बन के खड़ी है। जितना उसने तुझे एक रात में नहीं दिया है ना, उतना लुटा चुका हूँ मैं तुझपे, फिर भी साली तू मुझे भाव नहीं देती है। क्यों तू? तूने मुझे अपनी जागीर समझा हुआ है क्या? मैं कहीं भी जाऊँ, किसी के साथ भी सोऊं, तो होता कौन है बीच में आने वाला? चल हट जा सामने से। आज तक राघवन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई और तूने मुझ पर हाथ उठाया। चेहरा बिगाड़ दूंगा मैं तेरा। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि मुझ में कितना दम है। देख साली देख, छोड़ रेशमा को। चल हट भरवे। रेशमा, तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? अपनी अयाशी को मजबूरी का नाम मत दे। आज तक तूने जो भी किया वो तेरी मजबूरी थी, लेकिन अब जो भी तू करने जा रही है वो तेरी अयाशी है, पैसे की हवस है। अब कितना गिरोगी रेशमा? अभी भी वक्त है,
संभल जाओ। अब अगर गिरी ना तो कभी भी नहीं संभल पाओगी। अरुण, अरुण तुझसे सच्चा प्यार करता है। अपनी इसी अय्याशी की वजह से तूने उसके सच्चे प्यार को ठुकराया। तेरी भलाई इसी में है रेशमा कि तुम अरुण को अपना लो। वो तुझसे सच्चा प्यार करता है रेशमा, सच्चा प्यार। हेलो अब्दुल करीम, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तेरी भलाई इसी में है रेशमा कि तुम अरुण को अपना लो। वो तुझसे सच्चा प्यार करता है रेशमा, सच्चा प्यार। अरुण प्लीज, मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ मैं मानती हूँ अब तक मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, लेकिन अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ मैं सच्चे दिल से बोल रही हूँ। अरुण आई लव यू, आई लव यू अरुण, आई लव यू। और तू ही है जो
है मेरा नाम है दिलरुबा, दूर दूर तक चर्चे है मेरा नाम है दिलरुबा, क्यों ना होए कोई मुझ पे फिदा। जान लेवा जान लेवा जान लेवा मेरी हर अदा, जान लेवा जान लेवा जान लेवा मेरी हर अदा, दूर दूर तक चर्चे है मेरा नाम है दिलरुबा, दूर दूर तक चर्चे है मेरा नाम है दिलरुबा, क्यों ना होए कोई मुझ पे फिदा। अरुण, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या मैं कभी डांस नहीं कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम्हें एक महीने रेस्ट करने की जरूरत है, उसके बाद तुम डांसिंग, स्केटिंग सब कुछ कर सकती हो। बिस्किट खा लो। मेरे को तो वैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो केले का छिलका आया किधर से। वो साला राघवन। हाँ हाँ राघवन, उसके खिलाफ तो पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ, क्या होगा पुलिस कंप्लेंट करने से? टपोरी है साला, 2-4 दिन हवालात में रहेगा, छूट जाएगा। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत है ऐसे टपोरी से दोस्ती बढ़ाने की, उसके साथ डेट पर जाने की? तुम एक डांस बार में काम करती हो, डांस करो, घर पर आ जाओ, कोई लफड़ा ही नहीं होता। अब जो किया है उसे भुगतो, लो दवाई खा लो। नहीं खाओगी? एक बीमार इंसान को पहले भाषण देते हो और फिर दवा खिलाते हो, नहीं चाहिए। I'm sorry. मैं भूल ही गया कि तुम बीमार हो। I'm sorry. लो अब दवाई खा लो। I'm sorry. लो प्लीज I'm sorry. लो आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अरुण मेरी जिंदगी का सहारा बन सकता है, मेरे दुख दर्द मेरे गम बांट सकता है, फिर से मेरी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। इसलिए आज मैंने मन ही मन अरुण से शादी करने का फैसला कर लिया था। गोगी ने फिल्म हीरोइन बनने का सुनहरा ख्वाब दिखाकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी, मुझे बाल गर्ल बनने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आज मुझे फिर से उम्मीद की किरण नजर आ रही थी जो मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती थी। हर खुशी तुझसे मिली जिंदगी की राह में। एक मिनट यू बन सवरकर कहाँ जा रहे हो? आज एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा हूँ। क्या कहा? मार डालूंगी, चुपचाप बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, नहीं गया तो वो लड़की मुझे धोखेबाज समझेगी। कौन है वो लड़की? है, जब शादी करूँगा तो देख लेना। तुम मुझसे शादी करोगे? तो मैं शादी किससे करूँगी? क्या क्या कहा तुमने? नहीं नहीं मैं सुना नहीं, फिर से कहो। कान के नीचे खींच कर दूंगी ना तो बराबर समझ में आएगा। रेशमा का सपना था एक शरीफ आदमी से शादी करने का, वो तो पूरा हो गया। अरुण ने रेशमा को इज्जत की जिंदगी देने के लिए उसका बाहर आना जाना बंद करवा दिया। उसको ऐश्वर्या की जिंदगी देने के लिए वो खुद दुबई चला गया। अरुण के दुबई जाने के बाद मैं अरुण के घर गई थी।
रेशमा बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी सब, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अरुण का दुबई का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं सब, दुबई का नंबर तो मेरे पास नहीं है। इसका मतलब अरुण ने कभी दुबई से तुमको फोन नहीं किया? नहीं सब, जो भी बात होती थी रेशमा से ही होती थी। ठीक है, तुम जा सकती हो। रेशमा के दो आशिक हैं, अब्दुल करीम और राघव। इन्हीं दोनों में से किसी एक ने रेशमा का कत्ल किया है। तो तुम्हें क्या लगता है शिंदे, इन दोनों में से रेशमा का कातिल कौन हो सकता है? मुझे तो सर सबसे ज्यादा शक राघवन पर है। शिंदे, तुमने इस बात पर गौर किया कि एक शख्स एक रात में रेशमा पर 25 लाख रुपए लुटाता है, तो उसकी दीवानगी का आलम क्या होगा? हो सकता है कि रेशमा की शादी खबर सुनकर वो तिलमिला उठा हो और उसने ही रेशमा का कत्ल कर दिया। You are right, sir. शिंदे, ये इस नीलोफर पर भी नजर रखो। वो कहां जाती है, किससे मिलती है, किससे बातें करती है, और उसकी हर फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करवाओ। यस सर। सबसे पहले हम चलते हैं अब्दुल करीम की खबर लेने। ओके सर। अब्दुल करीम का भी किसी ने कत्ल कर दिया। आज सुबह अब्दुल करीम की हत्या हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब्दुल करीम रेशमा हत्याकांड की गुत्थी सुलझा सकते थे। इसीलिए रेशमा के कातिल ने अब्दुल करीम का भी कत्ल कर दिया। जाए वारदात से पुलिस ने एक चॉपर बरामद किया है। रेशमा के कत्ल में भी इसी तरह का चॉपर इस्तेमाल किया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर का मानना है कि इन दोनों का कातिल एक ही शख्स है। अभी अभी अब्दुल करीम को मार के अच्छा नहीं किया, अब तुम भी नहीं बचोगे। चलो। यस सर। मुझे क्यों यहां लाया गया? तुम्हारे पास तो अरुण कुमार का दुबई का नंबर ही नहीं था, फिर उससे बातें कैसे कर रही थी? नहीं ना साहब, ये तो सरासर इल्जाम है। मैंने तो अरुण कुमार से बात ही नहीं की। अगर तुम ये समझती हो कि तुम इंस्पेक्टर राठी की आंखों में धूल झोंक दोगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अरे साहब, मैंने तो बातचीत की ही नहीं साहब। अच्छा,
तुम दोनों की वो बातचीत सुनो जो अभी कुछ देर पहले तुमने अरुण कुमार से की है। अरुण कुमार इस वक्त इंडिया में है और तुमने मुझे बताया कि वो दुबई में है। पुलिस को गुमराह करने की सजा जानती हो तुम? रेशमा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? जवाब दो नीलोफर, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आई थिंक तुम भी दूसरे मुजरिमों की तरह टॉर्चर के बाद ही जबान खोलोगी। शिंदे। नहीं नहीं सब। नहीं सब, मैं सब बताती हूँ आपको, मैं सब बताती हूँ सब। रेशमा से शादी करने के बाद अरुण दुबई चला गया। एक बार रेशमा से मिलने मैं उसके घर गई। रेशमा, क्या कर रही है यार, कब से दरवाजा ठोक रही हूँ? चल अंदर आ जा। इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। देख, मैं तेरे घर जाने के लिए तैयार हो रही थी और तू आ गई। चल बैठ। चल चल, अभी झूठी कहेगी। अरे तू क्यों मेरे घर आएगी भाई? हाँ, मालदार हो गई है बाप, तेरे को तो दुबई से पैसा आता है, तू गरीब को क्यों याद रखेगी भाई? बस हो गई शुरू। क्या नीलू, तू भी ना। देख अरुण ने दुबई से क्या क्या भेजा है। और ये शर्ट तेरे लिए। सच? हाँ, बस सिर्फ सेंड क्या? अरे जो तू चाहे ले जा, उसमें क्या है। वाओ, डायमंड रिंग कहाँ से खरीदा? ये तो मेरे को अब्दुल करीम ने गिफ्ट किया है। अब्दुल करीम? अरे भूल गए क्या? अरे वही यार जो तेरे पे 25 लाख रुपया लूटा दिया था। साला 6 महीने जेल में था, अब आ गया है और आते ही साला तेरे बारे में पूछ रहा है। देख मैंने तो बोल दिया रेशमा ने बाहर छोड़ दिया, मगर साली तूने ऐसे क्या जादू किया रे, आज भी साला तेरे को याद करता है। अब मैं क्या बताऊं, उसी से पूछना चाहिए था ना। बहुत बातें करती है तू। हाँ लेकिन मस्त है, एकदम कपड़ा बोले तो। हाँ 9 बज गया और बातों में तुम्हें पता भी नहीं चला। ए मेरे को जाना है। और ये सब चीजें। अरे ऐसे कैसे? हाँ बाद में। लेकिन कॉफी तो पी के जा, ऐसे थोड़ी। अभी नहीं, फुर्सत में। अभी क्या है ना कि अब्दुल करीम ने मेरे लिए बंगला खरीदा है, वो ही देखने जा रही हूँ, बाद में आऊंगी। बाय। अरुण के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन आज उसे मेरी ही परवाह नहीं थी। दुबई जाने के बाद उसने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। चुपचाप अपने गम हंसते हंसते सहती रही। अरुण ने अपनी अय्याशिया रेशमा से तो छुपा रखी थी, लेकिन दुबई जाने के बाद वो आजाद मंची हो गया था। शराब और शबाब के नशे में पूरी तरह डूब गया था। उसकी हर रात दुबई के नाइट क्लब में गुजर रही थी। तेरा है आग आग आशिक दिल बचकर भाग भाग वरना तू जल जाएगा। हो जाएगा सब खाक खाक रह जाएगी बस राख राख जिस दिन तू जल जाएगा। ये हुस्न मेरा है आग आग आशिक दिल बचकर भाग भाग वरना तू जल जाएगा। हो जाएगा सब खाक
रह जाएगी, बस राख राख जिस दिन तू जल जाएगा। सुन ले गल तो सोनिए, मकड़ा की तोड़िए, मेरे पास आ जाना, कर ले प्यार 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 प्यार। Oh my baby you're so hot, won't you show me what you got? Catch your body growing now, keep it going on and on and on and on. ये हुस्न मेरा है आग आग, आशिक दिल बचकर भाग भाग, वरना तू जल जाएगा। सब खाक खाक रह जाएगी, बस राख राख जिस दिन तू जल जाएगा। सुन ले गल तो सोनिए, मकड़ा की तोड़िए, मेरे पास आ जाना, कर ले प्यार 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 प्यार। Yeah, my baby, I'm so hot, gotta show you what I've got, get your body grooving now, keep it going on and on and on and on. मेरे जैसी और न होनी, कोई जान कहे मुझे अपनी, कोई कहे मुझे मन मोनी। अपनी अदक जब चल भी दिखाऊं, उन्हें गिरते हैं हाय हाय करके, कितने बेचारे फिरते हैं मारे मारे, हाय दीदार को तरसे। ये हुस्न तेरा है आग आग, आशिक दिल बचकर भाग भाग, वरना तू जल जाएगा। हो जाएगा सब खाक खाक, रह जाएगी बस राख राख जिस दिन तू जल जाएगा। ये हुस्न मेरा है आग आग, आशिक दिल बचकर भाग भाग, वरना तू जल जाएगा। हो जाएगा सब खाक खाक, रह जाएगी बस राख राख जिस दिन तू जल जाएगा। सुन ले गल तो सोनिए, मकड़ा की तोड़िए, मेरे पास आ जाना, कर ले प्यार 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 प्यार। Yeah, my baby, I'm so hot, gotta show you what I've got, get your body grooving now, keep it going on and on and on and on. सुन ले गल तो सोनिए, मकड़ा की तोड़िए, मेरे पास आ जाना, कर ले प्यार 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 प्यार। Yeah, my baby, I'm so hot, gotta show you what I've got, get your body grooving now, keep it going on and on and on and on. रेशमा आज खुशहाल जिंदगी जी रही है और यही बहुत मुझे तड़पा रही है। मैं उसकी जिंदगी में ऐसा जहर घोलना चाहती हूँ कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसके लिए मुन्ना कालिया मेरे काम आ सकता है। मुन्ना कालिया अगर दुबई का डॉक्टर बनकर रेशमा को फोन करे और कहे कि अरुण उसके हॉस्पिटल में एडमिट है और ऑपरेशन के लिए 15 लाख का खर्चा आएगा, तो ये सुनकर रेशमा की जिंदगी में खलबली मच जाएगी। मैं रेशमा को इस तरह हंसते मुस्कुराते नहीं देख सकती। हाँ कौन? हाँ मैं नीलोफर बोल रही हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है, पर वो काम क्या है ये मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मिलोगे कहाँ, जल्दी बोलो कहाँ मिलना है। होटल मिडनाइट, रूम नंबर 401। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो, मैं अल मकसूद हॉस्पिटल से डॉक्टर चड्डा बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड अरुण को यहाँ एडमिट किया हुआ है। अरुण को? जी हाँ। अरुण को क्या हुआ? ज्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से उसके फेफड़ों में सूजन आ गई है। जल्द से जल्द उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इंतजाम करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। तू ही है मेरी और सूरज।
बाद में तेरे ऊपर 25 लाख रुपए लुटा दिए। आजा, सोने चांदी से लाद दूंगा तुझे। आज तक मुझ पर कितनी मुसीबतें आई, कितने दुख के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। सारे गम हंसते हंसते सहती रही, सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज आज मेरे अरुण की जिंदगी का सवाल है। और अरुण अरुण का दर्द मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर अरुण को कुछ हो गया ना बाबा, मैं ये दर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आज मैं आपसे अरुण की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। मेरे अरुण को कुछ नहीं होना चाहिए बाबा, मेरे अरुण को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब मेरे साथ ही क्यों बाबा, मेरे साथ ही क्यों? अब इतनी गम सहने की शक्ति नहीं रही है मुझ में। इससे तो अच्छा है कि मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो। धान धान धगत धगत चिकता चिकता धगत 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 चिकता रेशमा, जानती हो, पैसे की खातिर आज तुम अपने जिस्म का सौदा करने जा रही हो। आज जो मैं करने जा रही हूँ, पता नहीं वो सही है या गलत, लेकिन अरुण की जिंदगी बचाने के लिए इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रश्मि हो ना? तुम मेरी रश्मि हो? नहीं, मैं तुम्हारी रश्मि नहीं। तुम बिल्कुल मेरी रश्मि जैसी हो। देखो, देखो, देखो। तुम मेरी रश्मि नहीं हो। तुम मेरी रश्मि नहीं हो। नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। ये देखो, ये देखो, ये सब तुम्हारी फोटोग्राफ। सच में मैं तुम्हारी रश्मि नहीं हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम ही रश्मि हो। देखो तुम्हारी फोटोग्राफ, देखो, देखो ना। ये फोटो मेरी नहीं है। प्लीज प्लीज मेरा विश्वास करो। तुम्हारे ये, तुम झूठ बोल रही हो। तुम ही रश्मि हो, तुम्हारी है ना? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? रश्मि, तुम कहाँ चली गई हो?
मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रश्मि, तुम कहाँ हो? तुम वापस आ जाओ, तुम कहाँ हो रश्मि? तुम कहाँ हो रश्मि? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा रश्मि, प्लीज प्लीज कम बैक। तुम जो जो चाहे वो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। अरे रेशमा, तू इधर, क्या हुआ? मैं बाहर वापस ज्वाइन कर रही हूँ। अरे अरुण सो का लफड़ा हुआ क्या? नहीं तो तो फिर क्या साला दुबई से माल नहीं भेज रहा है क्या? वो जो भी पैसे भेजता है ना, वो सब चुटकी में ही उड़ जाते हैं। और तुझे पता है ना, मैंने एक फ्लैट लोन पर लिया है और सामने वाली बिल्डिंग में शॉप भी बुक कराया है, और अरुण जो भी पैसे भेजता है वो सब लोन भरने में चला जाता है, और घर की और भी तो छोटी मोटी जरूरतें हैं, वो मैं कैसे पूरी करूं? और अरुण को पैसे के लिए बार बार फोन करके मैं परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा, तो तू जो ये बार ज्वाइन कर रही है वो अरुण को पता है क्या? हाँ। तो फिर क्या टेंशन है, हो जा शुरू। चलो छमे लोग, जल्दी करो, टाइम हो रहा है। इनसे तो मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन अब्दुल करीम को तो सारी हकीकत बतानी पड़ेगी। अब्दुल करीम ही वो इंसान है जो अरुण के ऑपरेशन के पैसे का इंतजाम कर सकता है। हेलो अब्दुल करीम, मैं रेशमा बोल रही हूँ। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, और उसके लिए तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम बार के बाहर मेरा इंतज़ार करना, मैं नीचे आ रही हूँ। रेशमा, बहुत देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स। कैसी हो? आओ बैठो, आओ, चलो भाई। साली बेमरोवत, अपनी आधी जायदाद लुटा चुका हूं फिर भी मेरी नहीं हुई। सच ही कहते हैं, ये कोठे वाली और बार वाली ना घर बसाती हैं, ना बसने देती हैं। राघवन नाम है मेरा,
मेरी तरह मैं किसी और का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे। हाँ राघवन, रेशमा का खून करना है। रेशमा का खून? हाँ ठीक है, हो जाएगा। हेलो सर। हाँ मैं आ रहा हूँ। बैठो। काम क्या है? किसी का खून करना है। किसका? इसमें उसकी तस्वीर है, घर जाके देख लेना। चलता हूँ। ओके। All the best. Thank you. अब आएगा मजा खेल का। रेशमा की सवारी उसी के आशिक को दे दी। रश्मि के खून की सुपारी। पर ये कोकी क्यों मारना चाहता है रश्मि को? हेलो। नीलोफर बोल रही हो? हाँ नीलोफर, कैसी हो? मेरी फिकर छोड़, तेरी बीवी की फिकर कर। क्या हुआ उसे? उसने फिर से बार ज्वाइन कर लिया है। क्या बार ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है, पर वो अब्दुल करीम का बिस्तर गरम कर रही है। क्या बक रही हो तुम? यकीन नहीं आता तो खुद आके देख ले। मैं आज ये फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ रहा हूं।
ओह शिट, इतनी रात को कौन हो सकता है? अरे होगा कोई बेवकूफ, तीन चार बार बेल बजाएगा, परेशान होकर खुद चला जाएगा। सो जा। डिस्गस्टिंग पीपल, रात के 3 बजे किसी के घर का बेल बजाया जाता है क्या? मैं देखती हूँ। अरे जाने देना, आ जाओ। नहीं, एक सेकेंड हो। अरे सुन, पता नहीं कौन मनहूस आ गया। अरे अभी अभी तो नींद लगी थी और क्या यार, इसे भी अभी आना था। रेशमा, क्या हुआ? तुम्हें तो मुझे देखकर खुश होना चाहिए। तुम इतनी चौंक क्यों गई हो? नहीं, कोई है क्या? नहीं, नहीं, मुझे जाना है। हटो यहाँ से, हटो, हटो, मैं कहता हूँ हटो यहाँ से। नहीं, हटो। हेलो निलोफर, अरुण इंडिया आ गया क्या? हाँ आ गया, चॉपर है तुम्हारे पास। चॉपर? क्यों? तुम्हें उससे क्या करना है? तुम्हारे पास चॉपर है कि नहीं? हाँ हाँ है, पर जल्दी लाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकर
अरुण के घर पहुंची। मैं वहां हमेशा आती जाती थी, इसलिए वॉचमैन ने एंट्री नहीं की। मैं वहां पहुंची तो मैं देखकर हैरान रह गई। अरुण रेशमा के डेड बॉडी के पास बैठकर ड्रिंक कर रहा था। रेशमा का तो काम खत्म हो गया, अब अब्दुल करीम की बारी है। पागल हो गए हो क्या? अब्दुल करीम को मारोगे तो तुम भी नहीं बचोगे, फंस जाओगे तुम। नहीं नहीं, अगर अब्दुल करीम जिंदा रह गया तो मैं मर जाऊंगा। अब्दुल करीम को तो मरना ही होगा। देखो अरुण, मैं समझाऊंगी ना उसे, मैं समझाऊंगी उसे, वो तुम्हारे खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। मैं समझाऊंगी ना। और देखो, अगर तुमने करीम को मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ मैं। मुझसे बुरा तुम अरुण, मैं समझाऊंगी ना उसे, ऐसा कुछ मत करना। चॉपर लिया और रेशमा की बॉडी के टुकड़े करने लगा, वो टुकड़े किए सब। फिर उसने रेशमा की नाइटी से चॉपर पर लगा खून साफ किया और फिर उसके टुकड़ों को एक बोरी में भरकर फेंक आया। लाख समझाने के बाद भी अरुण ने अब्दुल करीम को मार ही डाला। लेकिन साहब, रेशमा के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं साहब, मैं निर्दोष हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये तब समझा जाता जब तुम अरुण कुमार को चौपर पहुंचाने के बजाय पुलिस के पास आकर पुलिस की मदद करती। बाय द वे, डांसिंग फ्लोर पर केले का छिलका तुमने ही फेंका था ना? हाँ साहब। ले आओ साले को। जेल में नीलूफर ने जब अरुण को बताया कि रेशमा ने जो कुछ भी किया था वो उसकी जिंदगी बचाने के लिए किया था, तो वो दुख से तिलमिला उठा। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था, सब कुछ तो खत्म हो गया था, अब तो रेशमा इस दुनिया में नहीं रही थी।
जाएंगे, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। ये हुस्न तेरा है आग आग, आशिक दिल बचकर भाग भाग, वरना तू जल जाएगा, हो जाएगा सब खाक खाक, रह जाएगी बस राख राख, जिस दिन तू चल जाएगा। ये हुस्न मेरा है आग आग, आशिक दिल बचकर भाग भाग, वरना तू चल जाएगा, हो जाएगा सब खाक खाक, रह जाएगी बस राख राख, जिस दिन तू जल जाएगा। सुन ले कल को सोनिए, मकड़ा की तोड़िए, मेरे पास आ जाना, कर ले प्यार 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 प्यार, oh my baby you're so hot, won't you show me what you got, catch your body growing now, keep it going on and on and on and on. ये हुस्न मेरा है आग आग, आशिक दिल बचकर भाग भाग, वरना तू जल जाएगा, हो जाएगा सब खाक खाक, रह जाएगी बस राख राख, जिस दिन